ये जी आज मैं जा रही हूँ कुछ काम और मज़ीद ख़त्म करने। यहाँ पर मैंने ये न्यू ड्रेस लिया था सरवानी बतीक का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसकी शलवार है, बहुत ही सॉफ्टी सा कंफर्टेबल सा है, मुझे इस तरह के ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, कमीज़ है सादा और गला बड़ा प्यारा बना हुआ है इसका, ये देखें। तो ये जो है ना, ये इसके बाजू है, ये देखें इस तरह से सरवानी बतीक है और बहुत इकनॉमिकल है। लाइक मुझे ये 4000 रुपीज़ में मिला है और ये इसके साथ शलवार है, मैं भी इसकी भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नीचे से इसका है सारा, ये बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा है। तो आज मैं ये पहनूंगी और साथ में मैं ब्लैक दुपट्टा जो है वो कोई मैच करूँगी। मेरे ख्याल से ये वाला मैं ले लूँगी, ये वाला साथ ब्लैक दुपट्टा ले लूँगी और ये मेरा सूट रेडी। और भी ऑप्शंस थे, उनमें से मैंने जो है वो ये वाला सेलेक्ट किया आज का अपना आउटफिट। ये बेसन है और ये मैदा है और इसमें ये प्याज आलू थोड़ी सी पालक धनिया ये डाला है मैंने और अब इसमें मैं ये हरी मिर्च लाल मिर्च डाल रही हूँ। क्रिस्पी पकौड़ा बनाने की बेहतरीन रेसिपी है ये और इसके लिए जो जो इसमें ऐड होगा वो यहाँ पर मामा मुझे गाइड कर रही हैं और आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर हो रही है। यहाँ पर कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी इसके अंदर, उसका ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है पकौड़ों में। जितना मैदा होगा उतना ही वो बेसन होगा, बेसन ज़्यादा है सिर्फ मैदा के 1 टेबलस्पून ताकि क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, मैदा यानी कि सिर्फ इसको क्रिस्पी करने के लिए डालेंगे और बेसन जो है वो हमारा थोड़ा ज्यादा यूज होगा। जैसे अगर 1 टेबलस्पून मामा अगर मैदा डाल रहे हैं तो ये बेसन कितना जाएगा उस हिसाब से? बेसन हाफ कप जाएगा। ये पीस क्या रही है? सूखा धनिया और जीरा जो है वो आप पीस के डाल लें। पीस के बस इतना के ऐसे मतलब इतना सा उसको करना है। ये देखें पीस के, ये बस हल्का सा मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना आपने, इस तरह से ही डाल देना। और इसके बाद यहाँ पर चुटकी बस इसका बेकिंग सोडा का, ये देखें चुटकी सी बेकिंग सोडा डाल देना आपने। इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना ये आपका मिक्सचर पकौड़ों का रेडी हो जाए। फ्राई के टाइम आपने बहुत ज़्यादा लेके नहीं फ्राई करना क्योंकि उस वो भी एक चीज़ एक रीज़न बनती है पकौड़ों के क्रिस्पी ना होने की। ये देखिए जी, फुल क्रिस्पी पकौड़े हैं, ये देखिए इतने क्रिस्पी पकौड़े बने ना, बहुत ज़बरदस्त। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी हैं। ये जी हमने रोल बार से शॉर्मा प्लेटर ऑर्डर किया है और साथ में एक डाइट साथ में शॉर्मा ऑर्डर किया है, फलाफल सैंडविच ऑर्डर किया है हमने और यहाँ पर शॉर्मा प्लेटर ऑर्डर किया है। फ्लैश के बगैर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये है जी हुमस, तोर्श, गाजर, आज तो सब कुछ इन्होंने पूरा दिया है। थॉम सॉस इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। फ्राइज, चिकन भी फ्रेश आया है और ये हुबस मिलती है, मेरे ख्याल से 4 हुबस होती हैं। साथ में पीटा ब्रेड और इन्होंने इस बार चिकन की फीलिंग बहुत अच्छी करके दी है। लास्ट टाइम मतलब आप समझ लें इस चिकन का हाफ था जो इन्होंने सर्व किया था, तो आज चिकन की फीलिंग अच्छी है लेकिन फ्राइज थोड़े हैं लग रहे हैं। ये देखें जी, ये फलाफल रैप है इनका लार्ज वाला और ये हुमस के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।